राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। स्टेशन के अंदर FIR रवि राणा और उसकी वाइफ मिसेस नवदीप कौर राणा के खिलाफ सेक्शन 153 कैपिटल ए 35, 37 और 135 और बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुका है। उनको अरेस्ट फॉर्म भर के अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स का बोलना यह है कि अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कि दोनों जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, एक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और एक MP है। आपको पहले स्पीकर की परमिशन लेनी चाहिए थी अरेस्ट करने से पहले, लेकिन परमिशन किसी किस्म की ली नहीं गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत सेक्शन 41A की नोटिस जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ केस की तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर उनको देनी चाहिए। वो सेक्शन 41A की नोटिस उनको नहीं दी गई। 41A की नोटिस देने पर आरोपी का हक फर्ज बनता है कि वो पुलिस स्टेशन में आके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। ऐसी कोई चार्ज उसके खिलाफ थी नहीं नॉन कोऑपरेशन की। एक दिन पहले उसको 149 की नोटिस दी गई थी रवि को और उसकी मिसेज को, और दोनों 149 की नोटिस को ऑनर करके घर के अंदर बंद होके बैठे थे, न बाहर निकले थे, न कुछ किए थे। इसलिए अरेस्ट जो है बिल्कुल गैरकानूनी है, इलीगल है। मेरा इंस्ट्रक्शन मेरे क्लाइंट को है कि उसने भी एक कंप्लेंट दे चुका है पुलिस स्टेशन में उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बाहर 500 से 700 आदमी जमा करके उसकी बिल्डिंग के नीचे बॉटल्स के ऊपर से लकड़ियों से लाठियों से मारने की कोशिश किए थे, बॉटलबाजी हुई थी। उसके ऊपर अगर पुलिस केस रजिस्टर करती है तो वो बेल एप्लीकेशन कंसिडर कर सकता है। जब तक पुलिस उस केस को रजिस्टर करके लोगों को अरेस्ट नहीं करती, वो बेल एप्लीकेशन अप्लाई करने से इनकार किया है। दूसरी बार उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे जो अरेस्ट किया है, मेरी मिसेज को अरेस्ट किया है, अटक किया है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। काफ़ी वक्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आप उस इलीगल अरेस्ट को वापस ले लो, वरना अगर ये मामला कोर्ट में गया तो फिर हम कोर्ट की कार्रवाई के थ्रू रिलीज ऑर्डर लेंगे। हम आपकी मेहरबानी के ऊपर नहीं जीने वाले। कानून जो बनता है, कानून का उल्लंघन जो भी करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो या आम आदमी हो, कानून हर एक के लिए लागू होता है। कानून हर एक के लिए एक ही है। वी विल गो टू कोर्ट, वी विल नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट।